एटमी धमाके की है, अब हम एटमी पावर हैं, अब हमें अमेरिका भी नहीं आंख मैली करके देख सकता, इंडिया की तो जरूरत ही कहाँ है। तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? हिंदू हैं या ईसाई हैं, जो भी हैं, आज हमारी तरफ आंख उठा के कोई क्यों नहीं देखता, क्योंकि हम एटमी ताकत है। चार भाई हैं और अगर एक रोटी है तो सबको मिलकर एक एक चौथाई उसकी खानी है, और इंशाल्लाह ताला जब चार रोटी आएंगी तो फिर पूरी पूरी रोटी खाएंगे। मेरे ऑनरेबल दोस्त, इंडिया में गुर्बत पाकिस्तान से ज्यादा है। याद करवाऊं? दो रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा, बट इंशाल्लाह अल्लाह वो दिन जरूर लाएगा और बहुत जल्द कि दो के बजाय आप ढाई रोटियां खा सकेंगे। अगर ये मुत्तहिद होकर चले तो फिर नो वन इज मोदी, नो वन इज इंडिया। पूरी दुनिया में मुसलमानों का ये हाल है, नॉलेज नाम की कोई चीज नहीं, जमीनी हकीकत पे आइए तो आप कुछ भी नहीं है। क्या बढ़िया था गुरु। इंडिया की 1 अरब 22 करोड़ आबादी है, तो फिर अगर उनका लिटरेसी रेट ज्यादा है तो उनकी अवाम लोग भी ज्यादा है, हमारे लोग भी कम है, इसलिए हमारा लिटरेसी रेट किसी भी तरह से इंडिया से कम नहीं है। पाकिस्तान के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं अमेरिका और बर्तानिया में पढ़ा रहे हैं, तो फिर इंडिया, हाउ कैन इंडिया इज सुपीरियर? भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और हम किसी भी तरह से इंडिया से, इंडिया हमसे सुपीरियर नहीं है किसी भी हवाले से। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मैं अक्सर आप लोगों के लिए एक से एक पाकिस्तानी जाहिल पकड़ के लेके आता हूँ। ये बॉय। और वो जाहिल आपका और मेरा करते हैं बहुत प्यारा सा मनोरंजन। क्यों नहीं? लेकिन आज के वीडियो में कुछ खास बात है। ठीक है, तो बिना देर के शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? राज मकसूद। वकील साहब लग रहे? नहीं, मैं सरकारी वकील हूँ। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। कौन से कोर्ट में होते हैं? मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस कसूर में एडमन हूँ। बहुत जबरदस्त सर। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि आपको कब लगता है कि पाकिस्तान बिकम, मतलब कि इंडिया की जितनी तरक्की पाकिस्तान कब कर सकता है? इंडिया की जितनी तरक्की पाकिस्तान कब कर सकता है? आपको इस तरह क्यों लगता है कि इंडिया ने ज्यादा तरक्की की है और पाकिस्तान ने कम तरक्की की है? और नहीं तो क्या, बताओ। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा तरक्की की है, इन गधों को यही नहीं पता। पाकिस्तान ने भी बड़ी तरक्की की है, देख लो, स्पेशली इन एजुकेशन पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है। इंडिया तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत इंटेलेक्चुअल पैदा किए हैं पाकिस्तान के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं अमेरिका और बर्तानिया में पढ़ा रहे हैं, तो फिर इंडिया, हाउ कैन इंडिया इज सुपीरियर? सर मैं जस्ट बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक या दो बंदों की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर बात कर रहा हूँ। अगर आप देखा जाए लिटरेसी रेट आप देखेंगे तो पाकिस्तान की जा रही है 6.4% जा रही है, और इंडिया के आप देखेंगे तो 74% जा रही है। देखे ना, एक 84 जा रही है, सॉरी, एक तकरीबन कितना ज्यादा डिफरेंस है एजुकेशन के अंदर। तो आप देखें ना, पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है, इंडिया की 1 अरब 22 करोड़ आबादी है, तो फिर अगर उनका लिटरेसी रेट ज्यादा है तो उनकी अवाम लोग भी ज्यादा है, हमारे लोग भी कम है, इसलिए हमारा लिटरेसी रेट किसी भी तरह से इंडिया से कम नहीं है। और हम किसी भी तरह से इंडिया से, इंडिया हमसे सुपीरियर नहीं है किसी भी हवाले से। शाबाश शाबाश शाबाश। ये है सरकारी वकील पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान के सरकारी वकीलों का ये हाल है तो आप समझ सकते हो पाकिस्तान की मासूम आवाम का क्या हाल होगा। एजुकेशन के वाले से, मुआशियात के वाले से, थोड़ी सी हमारी जो लीडरशिप है उनमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है। सर एजुकेशन पे ही रहेंगे फिलहाल। अगर एजुकेशन इतना हमारा बेटर है तो देखें कि 1947 से लेके अभी तक पाकिस्तान में एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं आई। पाकिस्तान का आप देखेंगे, इंडिया के जितने भी बड़े सीईओ अमेरिकन कंपनी में फाइज है, सारे बड़ी से बड़ी कंपनी में इंडियन लेते हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम उनसे बेटर है तो लेते हैं ना। बाहर से टोटली इन्वेस्टर, आप जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स का नाम लेंगे सब इंडिया में, टाटा देख लें आप, उसके बाद दूसरी जो कंपनी एप्पल देख लें, टेस्ला देख लें, गाड़ी की सबसे बड़ी कंपनी है, और एलोन मस्क जो अमीर
अमीर तरीन आदमी है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान में क्यों नहीं आते इन्वेस्टर? एजुकेशन का फर्क है कि नहीं है? एजुकेशन का फर्क है, थोड़ी सी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी है, उसकी वजह से भी इंडिया को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पाकिस्तान को लोग कम प्रेफर करते हैं। लेकिन ये देखें कि पाकिस्तान किसी लिहाज से, एजुकेशन लिहाज से, किसी लिहाज से इंडिया से कम नहीं है। हम अपने आप को कभी भी इन्फीरियर नहीं कह सकते उनके सामने। क्या कॉन्फिडेंस है, क्या कॉन्फिडेंस! पढ़े लिखे लोगों में भी नहीं होता, समझदार लोगों में भी नहीं होता, जितना कि इन पढ़े लिखे जाहिलों में होता है। हम हमेशा अपने आप को, क्योंकि हम कलमा गो हैं, कलमा गो है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये बात करूँगा कि हम मुसलमान हैं और हमारा सबसे बड़ी सुपर पावर कलमा है हमारा। क्या? और हमारा सबसे बड़ी सुपर पावर कलमा है हमारा। मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है? जिस कलमे के सर पे हम जी रहे हैं, और दुनिया में जो मर्जी हम मेरी तरफ से सुपर पावर बने, जो मर्जी बने, पाकिस्तान से बड़ी सुपर पावर कोई नहीं है। पाकिस्तान से बड़ी सुपर पावर कोई नहीं है। Are you comedy? और पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह सुपर ताकत बनेगा इंशाल्लाह। रामी इंसान भी ये कलमा गो है और ये कलमा पढ़ते हैं, इसके लिए इनका पाकिस्तान सुपर पावर बनेगा। 75 साल में तो बना नहीं है, लेकिन ये कलमा पढ़ते हैं तो ये सुपर पावर बनेगा। हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम अपने आप को कभी भी उनसे इन्फीरियर नहीं कर सकते। हम इन्फीरियर नहीं कहेंगे, हम ये तो तस्लीम कर सकते हैं कि वो डेवलपमेंट में हमसे आगे गए। लेकिन हम भी देखें, डॉक्टर अब्दुल सलाम हमारे पास है, हमारे पास बड़े बड़े लर्नड पढ़े लिखे लोग हैं, जो बेनजीर भुट्टो है हमारे पास। बेनर्जी भुट्टो को मरे जमाने गुजर गए भाई, कौन सी दुनिया में हो। देखें जिन्होंने वर्ल्ड फेम का जिनका नाम है, इस तरह का लीडर इंडिया के पास तो एक भी नहीं है। वो पाकिस्तान के पास तो है ना, वो ऑलरेडी बात करेंगे। हम अगर टोटली बात करें हमारी जीडीपी और उसकी जीडीपी को, हमारी इकोनॉमी को उसके देखें, तो डे बाय डे हमारा डॉलर देखें कि कहां पर जा रहा है, 215 पर चला गया। उनका देखिए रुपए के साथ कंपैरिजन करें, उनका डॉलर का 77 रुपये बनती है डॉलर। दिस इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और ये इमरान खान और ये नवाज शरीफ और इनके आपस में जो क्लैशेज हैं, इनकी वजह से हुई है। अगर ये मुतहिद होकर चले तो फिर नो वन इज मोदी, नो वन इज इंडिया। नो मोदी नो इंडिया, सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। पूरी दुनिया के अंदर छाएगा तो सिर्फ पाकिस्तान, लेकिन भैया सिर्फ एक चीज में, वो है आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद। सर अगर इतना ही उन्होंने डेवलप, तो इतना कर्जा डे बाय डे कम होना चाहिए ना, ज़्यादा क्यों जा रहा है? आपको नहीं लगता कि पॉलिटिशियन सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए आवाम को लैपटॉप देती है, सड़कें देती है बाहर से कर्जा लेके? अब आपने सड़कें बना ली, तो जब आपने टैक्स वापस करना, तो वो टैक्स वापस करते हुए हम IMF से जब से मुल्क बना कर्जा लेते जा रहे। देखें हम अपनी इंस्टॉलमेंट जो कर्जे की हम रिटर्न कर रहे हैं। हम बजट इस दफ़ा उन्होंने दिया है, बड़ा फ्रेंडली बजट था, आम लोगों के लिए बड़ा अच्छा बजट था। इमरान खान ने 4 साल में जो बजट दिया है वो साउंड बजट नहीं था। अब मुस्लिम लीग नून ने और पीपल पार्टी ने मिलके जो बजट दिया है वो एक साउंड बजट था, उसमें पाकिस्तान इंशाल्लाह स्टेबल कर जाएगा। हाँ, पेट्रोल की प्राइस पूरी दुनिया में बढ़ रही है, इसलिए पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया में अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है तो वो सैलरी भी तो गरीबों की बढ़ा रहे हैं ना। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि गरीब आदमी 15,000 रुपये कमा रहा, वो 200 रुपये 300 रुपये का पेट्रोल लीटर कहाँ से डलवा सकता है? लेकिन पाकिस्तान में भी अब इस बजट में उन्होंने देखे ना, लेबर की 25,000 की है और सरकारी मुलाजमीन की 15% सैलरी बढ़ाई है, तो ये एक अच्छा इंक्रीज है। और करने के बाद वापस ले? नहीं नहीं, वापस नहीं ली, बजट में नोटिफिकेशन हो गया, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। एक ही अल्फाज है बस मेरे पास। सही, तो मतलब कि आप जब ये इंप्लीमेंट हो गया? बिल्कुल इंप्लीमेंट हो गया, 1 जुलाई से ये इंप्लीमेंट है। सरकारी मुलाजमीन और जो लेबर्स हैं उनकी कम अज कम 25,000 है। 25,000 इंडिया में नहीं है, इंडिया में अभी भी 18,000 है। बिल्कुल 18,000 इंडिया में। याद रखें मेरे ऑनरेबल दोस्त, इंडिया में गुर्बत पाकिस्तान से ज्यादा है। सर पाकिस्तान और इंडिया की अगर गुर्बत की हम बात करें, हाँ, तो पाकिस्तान में 36 है पॉवर्टी रेट, हाँ, और अगर इंडिया की बात करें तो वो 6% बनती है। लेकिन इंडिया की देखे ना, 1 अरब और 25 करोड़ आवाम है। वो ही वाला गणित, छोटे बच्चों वाला, जाहिलों वाला, मदरसे छाप वाला, कौन बोल देगा कि पाकिस्तान के सरकारी वकील। सर अगर हमारी भी बात करें, 20 करोड़ आप हमारी भी बात करेंगे तो हम दुनिया की छठी पॉपुलेशन में दुनिया के 6वें नंबर पर आते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है
और जब कायदे आजम ने ये पाकिस्तान बनाया तो तब भी उसने कहा कि इसको कोई मुल्क फतह नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान को पाकिस्तान नूर है और नूर को कभी जवाल नहीं है। सही बोल रहे हैं भाई साहब, पाकिस्तान को कोई फतेह नहीं कर सकता, पाकिस्तान को फतेह करने की जरूरत ही नहीं है भाई, जहालत ने फतेह कर लिया उसको। अल्लाह का करम है इस मुल्क पे, हम जो भी कर लें ओवरऑल तो हम पाकिस्तानी है ना, हिंदू हैं या ईसाई हैं जो भी हैं, आज हमारी तरफ आंख उठा के कोई क्यों नहीं देखता, क्योंकि हम एटमी ताकत हैं सर, एटम... और एटमी ताकत हमें जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाया है ना, इमरान खान ने बनाया, किसी ने नहीं बनाया। आपको इस बात का भी जवाब दूंगा, आपने IMF से इतने कर्जे लिए हुए जो कि एटमी पावर आप हैं, लेकिन वो एटम एक पिंजरे के अंदर बंद है, उसकी चाबी आपके IMF को दी। हमारे पाकिस्तान के गिरेबान पे कोई हाथ डालेगा वो पिंजरे से एटम पंप बाहर निकल आएगा सर, हम देखेंगे कैसे हमें छेड़ता। हम जज्बाती होने के अलावा हम वो उसके ऊपर फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं कर सकते, हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, हम जज्बाती नहीं हो रहे। अगर एटमी पावर इतना कोई आसान होता चलाने के लिए तो हम पहले ना चला लेते, इंडिया के साथ हमारी कितनी जंगें हो चुकी है, इंडिया के साथ जब हमारी जंगें हुई तब हम एटमी पावर नहीं थे, हम जुल्फकार अली भुट्टो की वजह से और नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए, अब हम एटमी पावर हैं, अब हमें अमेरिका भी नहीं आंख मैली करके देख सकता, इंडिया की तो जरूरत ही कहाँ है। इन भाई साहब को शायद पता नहीं अमेरिका ने कितने ड्रोन हमले करके पाकिस्तानियों को उड़ाया, सही बात है, पता नहीं कौन से ख्याली दुनिया में रहते हैं, बेहतर हूरों के सपने देखने वाले ये लोग। यहाँ के बाद में काम शुरू होता है आपका, आपको एक कमेंट और एक शेयर जहाँ मर्जी हो वहाँ कर दीजिए आप, लेकिन कर जरूर दीजिए, भाई ने बोला करने का तो करने का। और मेरी इंस्टाग्राम ID है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी जाके बेहतर हुरे गिरा दीजिए, फॉलो कर लीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाते रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।